औद्योगिक शहर पानीपत में पुराना जीटी रोड और शहर के कई हिस्से मॉनसून की बारिश में पानी में डूब जाते हैं, पर इस बार तो प्री मॉनसून की बारिश ने ही नगर निगम और एलएनटी कंपनी की पोल खोल दी। दरअसल इन्होंने समय रहते ना तो ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त किया और ना ही नालों की समय पर सफाई हुई। अब जब प्रशासन और स्थानीय विधायक खुद सड़कों पर उतरे हैं तो दिन रात नालों की सफाई हो रही है। पानीपत से गुजर रहे पुराने जीटी रोड मुख्य बाजारों और शहर के सबसे बड़े उद्योगपति के परिसर के पास मॉनसूनी बारिश में जो जल जमाव हर साल दिखता है, इस बार वो नजारा प्री मॉनसून में ही दिख गया। इसकी बड़ी वजह पानीपत नगर निगम के अलावा शहर में टोल चला रही एलएनटी कंपनी की लच्चर व्यवस्था है, वो भी तब जब जिले के डिप्टी कमिश्नर एक्शन फुल ऑफिसर हैं। अपने डीजी को पूछते हैं कि नहीं, इसको बता देना बंदे लगाओ, नहीं कल है ना टोल को दो में जाके ना, आपको जितना इसकी सफाई में नुकसान नहीं है, और टोल एक दिन के लिए नहीं 20 दिन के लिए टोल खोले, तो फैसिलिटी नहीं दे सकते, टोल किस बात का। और हाँ, शहर के बीचों बीच गुजर रहा 10 किलोमीटर का फ्लाईओवर कॉरिडोर ऊपर से देखने में कितना सुंदर लगता है, पर बारिश के दिनों में फ्लाईओवर से ड्रेनेज यूं दोनों ओर बेहतर रहता है। ये पिछले 3 साल से हो रहा है। करीब 1 साल पहले यहां डिप्टी कमिश्नर बनकर आए डॉक्टर वीरेंद्र सिंह दहिया अब देख सकते हैं, लीजिए पहले भुक्त भोगी। तालमेल सही नहीं है, परसों कल भी वो विधायक साहब आए थे, उनको बोल के गए हैं अब बारिश चालू हो गया, अब सफाई करेंगे कब करेंगे, 15 दिन पहले इनको सफाई करनी चाहिए थी, अरे 2-2 घंटे जाम लग जाता है, सारे परेशान होते हैं, जो ऑफिस जाने वाले लेट होते हैं, दुकानदारी खराब होती है, लोग तो हाल बुरे हैं। दुकान के आगे देखो, ये हाल देखो, सारा गंदा पानी आ रहा है, बिल्कुल बदबू आ रही है, बैठा भी नहीं जा रहा हमारे से, गौरतलब है कि अब जबकि मॉनसूनी बारिश आने में 5 से 6 दिन ही बचे हैं, पानीपत के विधायक और डीसी ये सब देख रहे हैं कि एलएनटी वाले कैसे नाले साफ करवा रहे हैं, जबकि ये काम एक पखवाड़े पहले हो जाना चाहिए था। शनिवार शाम को शहर के जीटी रोड पर बने गहरे सीवर प्वाइंट और नाले इस तरह खुले पड़े थे। जोर की बारिश आ जाए तो राहगीरों और बाइक सवारों को पता ही नहीं चलेगा कहां सड़क है और कहां जानलेवा नाला, इसलिए भाई पानीपत में जरा ध्यान से सावधानी हटी दुर्घटना घटी। टोटल न्यूज़ पानीपत ब्यूरो।